क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं पाइथन, तो चलें शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने वीएस कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे कॉलेबल फंक्शन के बारे में। इसकी डेफिनेशन है, द कॉलेबल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज कॉलेबल, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। मतलब ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जो भी हम जानेंगे किन किन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये बिल्ट इन होता है, जो कि पाइथन की तरफ से ये हमें गिफ्ट मिलता है। तो इसको किस तरह से हम जानते हैं, कॉलेबल के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये हमें बताएगा, अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो मतलब कॉलेबल उसके अंदर है, अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसका मतलब कॉलेबल फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसे हम कोड से समझते हैं। मैं आता हूं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ए, और इसके अंदर मैं बनाता हूं क्या, लाइक एक इंटीजर लिख देता हूं। मैंने कहा था कि हर चीज जो है पाइथन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो ए भी एक ऑब्जेक्ट है, देखने में ये इंटीजर है बट ये एक ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से मेथड है हमें किस तरह से पता चलता है, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने कहा था dir कर दो और a लिख दो, ठीक है। इसे अगर हम चलाएं तो देखो इसके अंदर ये सारे मेथड्स आ गए, लेकिन इसके अंदर मुझे देखो c के अंदर जो है कॉल नजर नहीं आ रहा, c के अंदर कॉल नजर नहीं आ रहा, मतलब ये कॉलेबल नहीं है। अगर मैं इसको कॉलेबल कर दूं, कॉलेबल इसे अगर चलाऊं तो देखो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम करते हैं क्या, हम इसको कर देते हैं स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं। अब अगर मैं इसे चलाऊं तब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्यों, इसे भी dir करके देख लेते हैं। देखो इसके अंदर भी मेथड नहीं है कॉल का, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। चले यहां तक तो बात आ गई समझ में। इसको अब हम करते हैं क्या, इसको हम मिटा देते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं, चलो पहले फंक्शन तो बना दे, फंक्शन का नाम रख लेते हैं a ही रख देते हैं, ठीक है। एक मैंने फंक्शन बना दिया जो कि दो पैरामीटर लेगा n1 और n2, और यहां पे मैं इसको क्या करता हूं, रिटर्न करता हूं, रिटर्न करेगा n1 प्लस n2, ठीक है। कुछ नहीं, एक नॉर्मली फंक्शन बनाया और कुछ भी नहीं बनाया, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं dir, dir के अंदर मैं लिखता हूं फंक्शन का नाम और इसे चलाते हैं, ठीक है। इसे चलाते हैं, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ आया, ये कॉलेबल है, ये फंक्शन जो है एक्चुअली तो एक ऑब्जेक्ट है बट ये कॉलेबल है, इसके अंदर कॉलेबल फंक्शन मौजूद है। अगर हम क्या करते हैं, ये किस तरह से अब हम पता चलेगा, हम इसको करते हैं कॉलेबल के अंदर पास, कॉलेबल इसे चलाते हैं, देखो अब हमें ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, अब हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। और इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हमने क्या किया, हम इसको करते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं करता हूं ए और दो नंबर पास करते हैं 10 20। अब अगर चलाएं तो हमें ये 30 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन कॉलेबल है कैसे पता चलेगा, देखो कॉलेबल एक इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। इसको मैं करता हूं क्या, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक फंक्शन है अंडरस्कोप कॉल। अगर चलाएं तो अब भी हमें 30 ही जवाब मिलेगा, ये अब कॉलेबल फंक्शन कॉल हो रहा है जो इसके अंदर बिल्ट इन है, ठीक है। और इसे भी अगर हम प्रिंट करें तो इससे हमें प्रूफ होता है कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, ज्यादातर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, लेकिन इंटीजर जो है उसके अंदर नहीं होता है, स्ट्रिंग के अंदर नहीं होता, फंक्शन के अंदर होता है। यहां तक बात आ गई मेरी समझ में, कि इसको हम इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली कॉल ही, ये कॉलेबल फंक्शन ही कॉल हो रहा है। इस तरीके से भी कॉलेबल फंक्शन कॉल हो रहा है, इस तरीके से भी कॉलेबल फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि ये तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कॉलेबल फंक्शन है वो ये प्रोसेस करके हमें दे रहा है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को जो के कॉलेबल होगा, ठीक है। और कॉलेबल किससे पता चलेगा, ये हमें कॉलेबल के अंदर वो ऑब्जेक्ट जब हम पास करेंगे तो वो हमें ट्रू या रिटर्न के जरिए बताएगा कि ये जो है कॉलेबल है या नहीं, ठीक है। फंक्शन को हमने ट्राई कर लिया, स्ट्रिंग को ट्राई कर लिया, इंटीजर को ट्राई कर लिया, अब आते हैं हम क्लास के ऊपर। हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास किसी भी नाम से बना देंगे उसकी टेंशन नहीं है, चलो ए के नाम से ही बना देते हैं। हमने एक क्लास बनाई और क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया def init, और इसको मैंने दे दिया self, और एक नेम दे देते हैं, नेम के साथ फिर हम क्या करते हैं, नेम के साथ हम यही करेंगे, self.name बराबर है नेम के,
ओके, ये हमने एक नॉर्मल क्लास बना दी और कुछ भी नहीं किया, हमने क्लास बनाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको पता करते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं ओबीजे, और इस क्लास के ऊपर, इस क्लास के ऊपर जो पहला है आप मुझे बताते नहीं, ये जो है कैपिटल होना चाहिए, कन्वेंशन है। एक क्लास से अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर मैंने पास कर दिया बिलाल, नेम पास कर दिया, और हम अब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं लाइक, इसको पहले प्रिंट करवा देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट बन चुका है ठीक से, ओबीजे डॉट नेम, इसको प्रिंट करें तो ठीक है। ये मैंने क्लास बनाई है और उसके अंदर उस क्लास के जरिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यही काम करेंगे कि इसको इसको पता करेंगे कि ये कॉलेबल है या नहीं है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो क्लास है, हमें यह पता करना है कि क्लास कॉलेबल है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, हमें यह पता करना है कि इस क्लास से जो ऑब्जेक्ट बना है क्या ये कॉलेबल है। ठीक है, तो हम पहले इसको मिटा देते हैं और कुछ नहीं करते, पहले इस मेथड से पता करते हैं dir, और यहाँ पे क्लास का नाम पास कर देते हैं a, और अगर हम चलाएं तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर हमें कॉलेबल नजर नहीं आ रहा, क्लास के अंदर कॉलेबल नजर नहीं आ रहा। चलो इस मेथड से हम यू भी करके देख लेते हैं कॉलेबल, और चलाते हैं तो ट्रू, ठीक है, ये कॉलेबल है, ये क्लास कॉलेबल है। ओके, अब यही काम करते हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट जो इससे बना है क्या ये कॉलेबल है, ये कॉलेबल नहीं है, ये कॉलेबल नहीं है। लेकिन ये फॉल्स इस तरह क्यों प्रिंट कर रहा है, मैं कहता हूं प्रिंट इस तरह से, ठीक है ना, और यहां भी कट करता हूं प्रिंट इस तरह से, ठीक है। ये जो क्लास बनी है, ये क्लास जो है कॉलेबल है, मतलब इसके अंदर कॉल का फंक्शन है, और ये जो क्लास बनी हुई, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट बना है इस क्लास से कर, इसके अंदर कॉल का फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो अब हम कैसे पता चलेगा, अब हमें कैसे पता चलेगा, लाइक मैं क्या करता हूं, इसको भी हम कॉलेबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को भी हम कॉलेबल बनाते हैं, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, हम उसको ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड किस तरह से करते हैं, हमने पढ़ा हुई है, हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर हमने ओवरराइड कर दिया कॉल अंडरस्कोप, और ये फंक्शन है, ये लेता है n1 और n2, और इसको हमने कर दिया क्या, रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा n1 प्लस n2। समझने के लिए, इसके अंदर हमने एक फंक्शन पास कर दिया, और यहाँ पे मुझे सेल्फ भी तो लिखना होगा, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पे ये चीजें पास कर दी, और देखते हैं कि क्या अब हमें ये फंक्शन मिलता है या नहीं मिलता। मैं अगर इसे चलाऊं दोबारा, मैं इसे दोबारा चलाऊं तो अब देखो ये भी ट्रू हो गया, ऑब्जेक्ट भी ट्रू होगा। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि अब हमने जो इसका बिल्ट इन फंक्शन था, जो यहाँ डिफाइन तो नहीं था मगर था, जो यहाँ डिफाइन नहीं था लेकिन था, अब उसको हमने ओवरराइड कर दिया, तो वो फंक्शन आ गया इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और अब अगर मैं ये करता हूं क्या, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अब इसको कॉल कैसे करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो आ गया, इसको बहुत आसान है कॉल करना। मैं कहता हूं ओबीजे, और इसको मैंने कॉल कर दिया। अब यहां पे मैं पास करता हूं 10 20, और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। इसको मैं करता हूं कमेंट 20, मैंने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉल किया। कॉल को हमेशा किस तरह से कॉल करते हैं, डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया जाता है। अब अगर हम इसे चलाएं तो देखो हमें आंसर मिल गया 30, और 30 कहां से आ रहा है, इस कॉलेबल फंक्शन से आ रहा है, इस कॉल फंक्शन से आ रहा है, जो अभी हमने ओवरराइड किया है क्लास के जरिए, और हमें यहां पे देखो ऑब्जेक्ट में रिजल्ट मिल गया। इसको हम कैसे कॉल करते हैं, इसको हम कॉल करते हैं इस तरह से डायरेक्ट ओबीजे, इसको हमने कॉल कर दिया और पैरामीटर पास कर देंगे। ये इस तरह से कॉल किया जाता है कॉल फंक्शन, जो कि बिल्ट इन होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तमाम ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, जिस तरह भी हमने देखा कि फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्ट इन होता है, क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्ट इन होता है, और ये इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर बिल्ट इन नहीं होता। और इसको पता करने के लिए क्या है, इसको पता करने के लिए बहुत आसान है, हम किसी को भी, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस कॉलेबल के अंदर पुट करेंगे,
वो हमें ट्रू या फॉल्स की शक्ल में रिटर्न करेगा कि ये कॉलेबल है या नहीं है। कॉलेबल का क्या मतलब है, मतलब ये वाला फंक्शन उसमें है या नहीं है ये हमें पता देगा। उसको DIR के जरिए भी देख सकते हैं, लेकिन बाज हालात में DIR के जरिए नहीं पता चलता, लेकिन उसका सही तरीका है कि कॉलेबल के जरिए उसको देख सकते हैं कि कॉलेबल में वो आप ऑब्जेक्ट पास कर दें, वो हमें बता देगा कि ये कॉलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये भी हमने बात समझ ली। और इसको जरा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने एक कॉल का फंक्शन बनाया जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है, क्लास के अंदर कॉल का फंक्शन है, हमने उसको ओवरराइड कर दिया और ओवरराइड करके इसको अपने मुताबिक ढाल दिया और फिर उससे एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट जो है वो कॉलेबल नहीं था। क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कॉलेबल नहीं होता, लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे कॉलेबल फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, इसलिए ये फंक्शन भी ओवरराइड हो गया और सॉरी इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी कॉल का फंक्शन आ गया, तो इसने यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न किया, यहाँ पे हमें इसने ट्रू रिटर्न किया। और इस कॉल फंक्शन को हमने किस तरह से यूज किया, इस कॉल को हमने इस तरह से यूज किया कॉल करके। ठीक है, ये इस तरह से कॉल किया जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट बनता है उसके उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो ये कॉल हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसको हम दोबारा चलाएं, देखो ये कॉल फंक्शन चल गया जो कि ये रहा, और इसने ट्रू रिटर्न किया कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब कॉल फंक्शन है, मतलब ये कॉलेबल बन गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।